हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो आज का सेशन है वो शानदार सेशन होगा। और वो आपके साइकेट्री की कुछ क्लासें नहीं हुई थी तो आपकी वो साइकेट्री की क्लासें की जा रही हैं और स्पेशल साइकेट्रिक्स क्वेश्चंस हैं, मे भी शायद इम्पोर्टेंट हो इस एग्जाम्स के लिए। बाकी और MHN के जितने क्वेश्चन हैं आप थोड़ा बुक से रेफर क्वेश्चंस कर सकते हो, ऑनलाइन और सिंगल क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन मिस ना करें। आज का सेशन होगा जो कहते ही अच्छे जहर और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फियर ऑफ क्लोज स्पेस। आपको एक बंद क्लोज बोले तो क्लोज्ड है, बंद है, बंद एरिया से डर लगना क्या कहलाता है? इंसेप्टिक साइड, कीड़ों मकोड़ों से डर लगना, साइनोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, गैम्टोफोबिया। ठीक है फ्रेंड्स, गैम्बोफोबिया क्या होता है? थैंटोफोबिया, मरने से डर लगना, गैम्बोफोबिया शादी से डर लगना, क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेस से डर लगना, कीड़ों से डर लगना, इंसेप्टोफोबिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेस इन। ठीक है फ्रेंड्स, फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी जो टेस्ट कराते हैं, IT टेस्ट जो कराते हैं, उसके फादर कौन है? अल्फर्ड अल्डर, अल्फर्ड विनिट, एरिक्सन या कार्ल लेजन। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताएं कि इंटेलिजेंसी टेस्ट का फादर कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अल्फर्ड विनिट। ईगो वर्क बेस्ड ऑन, जो ईगो है वो किस पे वर्क करता है? रियलिटी पर, परसेप्शन पर, कॉन्शियस पर, प्लेजर्स पर। तो इड ईगो सुपर ईगो, इड ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, जो सुपर ईगो होता है वो हमारे राइट और रॉन्ग पे काम करता है। ठीक है, और ईगो हमारे रियलिटी पे काम करता है, और हमारा जो इड होगा है ये वर्किंग आउट पे काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी आपको मिलते हैं। इड पूछ सकता है, ईगो पूछ सकता है, सुपर ईगो पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, रियलिटी। सेरेन इज एन एग्जांपल ऑफ, सेरेन किसका एग्जांपल है? एंटी साइकोटिक, एंजाइटी, मूड स्टेबलाइजर या एंटी डिप्रेशन। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एंटी साइकोटिक। मैनिया इज करेक्टरिस्टिक्स बाय, जो मैनिया है वो किसका करेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है फ्रेंड्स, पैरानोइडिया, लॉस ऑफ इंसाइट, हाई सेल्फ स्टिमुलेशन, लॉस ऑफ ऑर्डिनेशन। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जो मैनिया का पेशेंट होता है उसमें जो डिल्यूजन बनता है वो ग्रैंडोसिटी ऑफ डिल्यूजन देखने को मिलता है। हाई सोच रखने वाला इंसान होता है। ठीक है, कि मेरे जैसा कोई नहीं, मतलब हमेशा हैप्पी रहता है, बहुत हमेशा खुश रहता है, ओवर खुश रहना। ठीक है, और मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियस ये हो जाना, ये डिप्रेशन में देखने को मिलता है। तो पैरानोइड में होगा, लॉस इनसाइट होगा, सेल्फ स्टीम्स होगा हाई, या लॉस ओरिएंटेशन, लॉस ओरिएंटेशन तो होता ही नहीं है, और पैरानोइड इंडिल्यूजन भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आज का सेशन मिस मत करना फ्रेंड्स, ज़रूर देखना, एक बेहतरीन क्लास है। और साइकेट्री की क्लास है, साइकेट्री की क्लास हो ही नहीं थी इसलिए आपके साइकेट्री की क्लास कराई जा रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, साइकेट्री की क्लास को मिस ना करें। और जिस बच्चे ने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज का पेमेंट अब 201 रुपये कर दिया है। ठीक है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। तो प्लीज़ जिस फ्रेंड ने भी ज्वाइन नहीं किया वो फ्रेंड ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, डिल्यूजन इज नॉट प्रेजेंट, डिल्यूजन कहाँ प्रेजेंट नहीं होता? डिप्रेशन, मैनिया, डिलिरम, ओसीडी। तो डिप्रेशन में भी डिल्यूजन होता है,
लूजनेस, हैप्पीनेस, ये सब। और मैनिया में ग्रैंडोसिटी देखने को मिलता है, डिलिरियम में भी होता है, बस ओसीडी कंपल्सिव डिसऑर्डर में डिल्यूजन नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ओसीडी इज नॉट, डिल्यूजन इज नॉट प्रेजेंट इन ओसीडी। ठीक है, क्योंकि डिल्यूजन आर फॉल्स बिलीव एंड हेल्ड, आदमी गलत होने के बाद भी अपने आप को सही समझना, ठीक है, ये डिल्यूजन है, मतलब गलत गलत चीज़ होते हुए भी अपने आप को सही फील करना। और ओसीडी कंपल्सिव का मतलब ये है कि बार बार अपनी चीज़ों को दोहराना, आप क्या बोलते हैं उसे, घर का दरवाज़ा बंद करके आए, वापस नीचे उतर के पहुँचे, दोबारा फिर आपके दिमाग में आया, और यार मैं तो, मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ करना भूल गया, फिर वापस से फिर आना, फिर दरवाजे को हलाना। नेचुरली ये हमारे ह्यूमन नेचर है, सभी के साथ ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन। कॉमन रिस्क क्या है सीवियर डिप्रेशन की, सीवियर जो डिप्रेशन है उसकी कॉमन रिस्क क्या है, फैटिगेबिलिटी, थॉट ब्लॉक, सुसाइड या हेलुसिनेशन। जब जिसको किसी को सीवियर डिप्रेशन हो जाता है तो उसके क्या विचार आने लग जाता है, वो सुसाइड करने की सोचता है कि अब मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है और अब मुझे इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए। कई बार हम भी ऐसे डिप्रेशन में हो जाते हैं, फेलियर फेलियर होने के बाद अंदर से इतना टूट जाते हैं, यार अब मेरा मर जाना ही ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, ज़िंदगी में सुख दुख चलते रहना भी ज़रूरी है। ठीक है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तो हमें दोनों चीज़ों का स्वाद चखना भी ज़रूर होता है, तभी हमें एहसास होता है कि लाइफ में सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। अगर सुखी सुख रहेंगे तो दुख को कौन जानेगा। मैनिया इज, मैनिया क्या है, एंजाइटी रिलेटेड है, मूड डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है या थॉट डिसऑर्डर है। तो फ्रेंड्स, मैनिया एक मूड डिसऑर्डर है, क्या है, मूड डिसऑर्डर है, और इसमें कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कॉग्निटिव मान डिसऑर्डर। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। ठीक है, अब ये किसका डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन का, डिपर्सनलाइजेशन का, सिजोफ्रेनिया या डिमेंशिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिजोफ्रेनिया जो हमारे मल्टी लोडेड सिंड्रोम्स होते हैं इसमें, ठीक है, और ये मल्टी लोडेड सिंड्रोम डिजीज होती है, और कॉग्निटिव जो डिसऑर्डर आता है वो हमारा सिजोफ्रेनिया में ही आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सिजोफ्रेनिया। फ्रेंड्स, जिस बच्चे ने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और फ्रेंड्स प्लीज़ जितना हो सके अपनी पढ़ाई को टाइम दें। ठीक है, मेरे, मुझे आई फ्लू होने की वजह से शायद मैं कल की क्लास आपकी नहीं ले पाया था, आज भी मुझे आई फ्लू है, बट क्लास मैं मिस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आज भी आपकी क्लास बनानी पड़ रही है। ठीक है, सो प्लीज़ आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, और इस टाइम थोड़ा वायरल का इन्फेक्शन चल रहा है, तो अपने आप को अच्छे से लगे, ताज़ा खाना खाएं, अच्छे से रहें, और बाहर की फास्ट फूड अवॉइड करें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सिंगिंग ए रूफ टेक इट वी स्नैक द कंडीशन इज कॉल्ड। ठीक है, कि उसकी अवधारणा है कि रस्सी रूप नहीं होता, छत के ऊपर एक रस्सी लटकती है, और लटकती हुई रस्सी क्या लग रही है आपको, सांप, तो किस में देखने को मिल जाएगा, ओसीडी में तो होगा नहीं और डिलिरियम में भी नहीं होगा। अब बचते हैं हमारे पास इल्यूजन और मैनिया, तो मैनिया में आदमी ग्रैंडोसिटी होता है, डिल्यूजन होता है, तो उसको ये भी नहीं होगा, ये तो तीनों ही खोटे आंसर हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा इल्यूजन होगा। ठीक है, मिसपरसेप्शन विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, चीज़ ना होते हुए भी चीज़ को महसूस करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, इल्यूजन। और आपको पता है कि ये जो इल्यूजन होता है किस किस में देखने को मिलता है, जैसे मेंटली इल पेशेंट हो गया, या कोई ड्रग एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, स्लीप डेप्रिवेशन हो रहा हो किसी को, स्ट्रेस और फैटिग हो। कई बार आदमी जब स्ट्रेस में होता है तब भी उसे ऐसा लगता है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ना चीज़ होते हुए भी अपने ऊपर कर लेना,
बात किसी और की हो रही होंगी, अपने ऊपर ले जाना यार, ये तो मेरे बारे में बात कर रहे होंगे पक्का, कुछ ना कुछ मेरे लिए कर रहे होंगे, ये मतलब गलत अवधारणा ही हो जाना। फेंटोइन इज़ यूज ट्रीटमेंट, ठीक है, फेंटोइन जो ड्रग होती वो किस ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं? पेटेंटी मेल एपिलेप्सी, ग्रांड माल एपिलेप्सी, माइकोनिक सीजर्स या ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स जो फेंटोइन ड्रग्स होती है वो हम ग्रांड माल एपिलेप्सी के यूजली करते हैं। किसके लिए करते हैं? ग्रांड माल एपिलेप्सी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिप्रेशन देयर इज डेफिशिएंसी। डिप्रेशन जब आदमी को हो जाता है तो उसके अंदर किस चीज़ की कमी हो जाती है, कौन से हार्मोन्स की कमी हो जाती है ब्रेन के अंदर? 5S2, गाबा, डोपामिन या एसाइटिल कोलिन। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ज़रूर बताएं कि फ्रेंड्स को पेशेंट को डिप्रेशन होने के बाद किस चीज़ का कौन से हार्मोन्स की कमी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 5ST। ठीक है फ्रेंड्स, जो डिप्रेशन होता है डिप्रेशन में 5ST हार्मोन्स की कमी हो जाती है। हिप्नोटिक ड्रग आर यूज टू ट्रीट, हिप्नोजिक जो ड्रग होती हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? साइकोसिस, नार्कोलेप्सी, स्लीप डिसऑर्डर या पार्किंसंस डिजीज। तो प्लीज़ हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है? हिप्नोटिक का मतलब ये होता है हम साइकोसिस पेशेंट होते हैं उनको देते हैं। किस तरह देते हैं? मरीज को अपने सामने बैठा देते हैं या लेटा देते हैं और किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, उसको हिप्नोटाइज किया जाता है और पेशेंट को आंखें बंद करके फिर उस चीज़ के लिए गहनतम सोचा जाता है, उसके पास्ट के बारे में पूछा जाता है और पेशेंट अपनी हिस्ट्री बयां करता है, बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, साइकोसिस। हिप्नोटिक सॉरी फ्रेंड्स हिप्नोटिक ड्रग यार यूज टू ट्रीट कर रहा है यार, हिप्नोटिक नार्कोलेप्सी होगा, ठीक है, साइकोसिस नहीं, साइकोसिस डिसऑर्डर है उसको क्लियर करने के लिए नार्कोसिस लेप्सी देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नार्कोलेप्सी होगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय, जो ईटिंग बिहेवियर होता है हमारा, ईटिंग जो डिसऑर्डर आता है उसको कंट्रोल कौन करता है? पैनक्रियाज करता है, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो फ्रेंड्स जो हमारा ईटिंग डिसऑर्डर होता है, थ्रस्ट डिसऑर्डर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, ये जितने भी सिस्टम्स को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो हमारा कौन सा काम करता है? वो हमारा हाइपोथैलेमस काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गैस्ट्री हेलुसिनेशन, ठीक है, गैस्ट्री हेलुसिनेशन किस में देखने को मिलता है? अब गैस्ट्रेटिस से बात कर सकते हो बोले तो स्टोमक, ठीक है, अब नोज में कोई स्टोमक का काम नहीं, ईयर में भी कोई काम नहीं, और क्या बोलते हैं उस स्किन में भी काम नहीं, तो तीनों तो खोटे आंसर हो गए, इनको तो हटा ही दीजिए, टेस्ट पर राइट आंसर बचता है। तो आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस की थीम को पढ़ें तो हम क्वेश्चन की थीम के अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, टेस्ट बर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक का सेशन आप सबको कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अब तक का सेशन आप सबको कैसा लग रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स आज का सेशन मिस मत करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को भी, और फ्रेंड्स प्लीज़ राजेंद्र सिंह एकेडमी से कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, विश्वास रखें सारा जो होगा जो बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना, कल दो चार बच्चे कह रहे थे कि सर मॉर्निंग टेस्ट दो तीन टाइम करा दो, मेरे भाई एक टेस्ट देने में ही आप लोग इतने डाउट कर रहे हो, अगर आपको तीन टेस्ट दे दिए तो आप बताइए कितने डाउट करोगे? हाँ मान लीजिए कितने डाउट करोगे इसमें, तो आप उसमें भी लटक जाओगे, फिर बताओ फिर वही आपकी समस्याएं होंगी, और तीन तीन चार चार टेस्ट एक इंसान नहीं दे सकता ईमानदारी से दे तब तो, क्योंकि तीन चार टेस्ट खुद के लिए समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी कि मैं कैसे कैसे करूंगा, 100 क्वेश्चन होते हैं और फिर ना पूरा टाइम ये है कि उसमें पढ़ने में लगाओगे करोगे फिर गलतियां भी छाटोगे, तो मैं भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो एक टेस्ट है
अपनी ईमानदारी से दें और बेस्ट करें। जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को दोबारा टेस्ट में ना दोहराएं। एक 4 साल का चाइल्ड है, फेब्रिल सीजर हो गया, बेस्ट प्रोफाइल इस हिसाब क्या करोगे? ठीक है, एक 4 साल का बच्चा है, फेब्रिल सीजर हुआ है, डाइजीपाम दोगे? नहीं। फेनोबारबिटिन, पैरासीटामोल 6 आवरली चलाओगे, पैरासीटामोल प्लस में डाइजीपाम दोगे? फेब्रिल सीजर तो पहले ही हो चुका है पेशेंट को, तो उसका जो राइट आंसर होगा एंटी सीजर जो ड्रग्स करेंगे हम फेनोबारबिटिन करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि फेनोबारबिटिन जो ड्रग्स है दैट इज ट्रीटिंग सीजर, तो इज आल्सो यूज इन प्रिवेंट सीजर चिल्ड्रन विद फेब्रिल सीजर। माइक्रो अप्रोचेस इज नर्स ट्रेस आस्किंग फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू डील विद एल्कोहल एडिक्शंस। ठीक है, नर्स ट्रेस शुड टेल द क्लाइंट दैट ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन बताइए, क्या आप उसको साइकोथेरेपी दोगे? भाई जिसने दारू पीने की आदत लगी हो, एडिक्शंस हो गया, तो साइकोथेरेपी से तो पार कौन पड़े? आप उसे बहुतों को समझाओगे भाया दारू छोड़ दे, ऐसा हो जाए, जितना उसे ज़्यादा समझाओगे वो दारू के बारे में, आप जितना उसे एल्कोहल के बारे में बोलोगे, जब कहोगे एल्कोहल की वजह से ना हो रहे हो, अगर लीवर ख़राब हो जाएगा दारू वालों को आप बोलोगे ना, दारू तो नहीं बदनाम करो, दारू कहाँ है, दारू की वजह से ना होए। टोटल एविस्टेंसी बिल्कुल बंद कर दो सारी चीज़ें भाई, दारू बिल्कुल नहीं पिएगा। एल्कोहलिज्म एनालिसिस करोगे या अवर्जन थेरेपी दोगे? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जब एल्कोहलिक एडिक्शन उसको लग गया और आप उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो उसकी दारू बिल्कुल बंद कर दो, टोटल एविस्टेंसिस कर दो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए मेल क्लाइंट विद बाइपोलर आई डिसऑर्डर शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है फ्रेंड्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। टचिंग द क्लाइंट प्रोवाइड एश्योरेंस, इंगेजिंग द क्लाइंट करो अबाउट करंट अफेयर, प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंटेड, या डिजिंग अकाउंट एंड दिल रिक्वल क्लाइंट मेंटेन कॉन्टेक्ट विद रियल्टी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रोवाइड स्ट्रक्चर से इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, ए 20-year-old क्लाइंट वॉज डायग्नोज विद ए डिपेंडेंटी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, विच बिहेवियर इज मोस्ट लाइकली टू बी एविडेंस ऑफ इन इफेक्टिव इंडिविजुअली कॉपिंग। क्या हो रहा है उसको? डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो रहा है। बिहेवियर मोस्ट लाइक टू बी एविडेंस ineffective individual coping, avoiding relationship, solving internet in interest in solitary activity, recurrent self-destructive behavior, या inability to make choice and decision without। तो इसका जो right answer होगा वो option D होगा, individually with dependent personality disorder typical shows in indecency। आप एक patient हैं, आप एक पेशेंट है, उसको ECT दे रहे हो, द क्लाइंट रिसीव ऑक्सीजन मास्क वाई पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ECT के दौरान पेशेंट किस पे है? PPP। द नर्स असिंग क्लाइंट प्रोसीजर नाउ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिल नेसेसरी बिकॉज एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग प्रोसीजर, एनेस्थेसिया दोगे? मसल्स रिलैक्सेंट गिवन टू प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी, डिक्रीज ऑक्सीजन ब्रेन, या ग्रैंड सीजर एक्टिविटी। तो फ्रेंड जब ECT आप दे रहे हो और PP पे हो तो आप उसको ऐसी दवाएं जो उसकी मसल्स को रिलैक्स सेट कर सके, सिक्रेशंस कम और पेशेंट जो रेस्पिरेशन होल्ड ना करें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स सेशन को मिस मत करना प्लीज़, सेशन के सारे क्वेश्चन ज़रूर दोबारा देखना, और कल एक दो दिन आपको मेंटल हेल्थ की क्लासें मिलेंगी, 3-4 मेंटल हेल्थ की क्लासें करा देंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी और भी जो होगा आपको बताया जाएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स,
मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। पढ़ते रहें, खुश रहें और प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।